हाय एवरीवन, अगर आपको लिप्स की केयर करनी है और आपके पास लिपस्टिक सेड नहीं है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई सा भी सेड ले लो, मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है। उसके बाद से मैंने इस तरीके का लाइट ग्रीन कलर का आई शेडो पैलेट में से आई शेडो लिया है, क्योंकि मुझे कुछ लाइट सा सेड यूज़ करना था लिप्स पे, बट मेरे पास कोई लाइट शेड की लिपस्टिक नहीं थी, तो इस तरीके से मैंने लाइट ग्रीन कलर का सेड लिया। उसके बाद से मैंने पिंक कलर का आई शेडो में से सेड लिया है और कुछ इस तरीके से लगाया है। और मेरे पास कोई लिपस्टिक नहीं थी और उसके बाद मेरे पास खूबसूरत सा लिपस्टिक का सेड बन गया है। तो आप भी ये ट्रिक्स ट्राई कर सकते हो। टिप्स बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लिपस्टिक नहीं, या फिर आपको आपके पास ड्रेस से मैचिंग लिपस्टिक नहीं, या फिर कोई शेड आप ढूंढ रहे हो, तो आई शेडो पैलेट से लेकर आप उसको यूज कर सकते हो और लिपस्टिक को की तरह ट्राई कर सकते हो। तो सेकंड हैक में मैं बताऊंगी, अगर आपको आईब्रो अपने कट भी नहीं करनी है और थोड़ा सा आपको अलग लुक दिखाना है आईब्रो कट करके, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी आईब्रोज को जैसे फील करते हैं वैसे फील कर लीजिएगा। आईब्रोज को फील करने के लिए डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपने आईब्रो को सेव किया और फील कर लिया है। अब मुझे इसमें कट लगाना है, बट मुझे आईब्रो को कट भी नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, कंसीलर लेना है। आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हो, पतला वाला ब्रश लेना है और जहाँ से आपको आईब्रो को कट करके दिखाना है वहाँ पे आप इस तरीके से कंसीलर को लगा लोगे। बहुत यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और मैंने जब इसको लगाया था, फिर मेरे कस्टमर आए थे, उन्होंने शॉक हो गए कि आपने आईब्रो कट किया है, बट मैंने उनको बताया कि नहीं, मैंने कट नहीं किया, मैंने कुछ इस तरीके से मेकअप टिप्स ट्राई किया है। तो वो लोग हैरान हो गए, बोली हम लोग भी घर जाके ट्राई करेंगे। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो विदाउट आईब्रो को कट किए। अगर कुछ आप वेस्टर्न लुक में ट्राई करना चाहते हो तो आप ये सब ट्राई कर सकते हो, और आप बाद में इंडियन लुक में भी दोबारा से आ सकते हो विदाउट आईब्रो को कट किए। तो कैसा लगा आपको ये मेरा टिप्स? और पाउडर से बाद में सेट कर देना है, तो ये निकलेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगता है। अब इस लुक के साथ मेरा जो डार्क सर्कल है वो मुझे बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर लिया जो कि ख़त्म हो चुका था। अब मैं क्या करूं, तो मुझे एक सडनली आइडिया आया कि मेरे पास एक लिपस्टिक है रेड कलर की, तो वो लिपस्टिक को लेंगे और आप कलर करेक्टर की जगह पे लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, कुछ इस तरीके से लगा लेना है हल्का हल्का सा अपने आईब्रोज सॉरी डार्क सर्कल पर और जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला करना है। मॉइस्चराइजर, प्राइमर, CTM वगैरह बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सारे ट्रिक्स और टिप्स यूज करने से पहले, क्योंकि वो सब यूज़ नहीं करोगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, A to Z चीज़ें मेकअप से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ पूरी बारीकी के साथ, तो आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। इस तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लिया है एंड ये जो लिपस्टिक लगाया था उसको ब्लेंड कर लेंगे। टैप 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 करेंगे एंड ये ब्लेंड हो जाएगा बहुत ईजिली। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं करना, नहीं तो जो आपका डार्क स्पॉट है और डार्क सर्कल है वो हाइड नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब आपको दूसरी आईज पे भी इसी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद से अपने स्किन से मैच होता हुआ कंसीलर लोगे एंड इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करोगे। अमेजिंग सीक्रेट्स एंड टिप्स आइडियाज़ मैं मेकअप से रिलेटेड लेकर आते रहती हूँ अपने चैनल पर, तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, तो आप जाके जरूर देखिएगा। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो इस तरीके से मैंने कंसीलर को लगाया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर डे पार्टी में जा रहे हो या फिर नाइट में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करने से हमारा मेकअप जो होता है वो बाद में केकी एंड अच्छा नहीं लगता है और ख़ुद को ही अजीब सा फील होता है। इसलिए मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, लेकिन सही मात्रा में सही तरीके से यूज़ कीजिए। सारी चीज़ों की डिटेल वीडियोज मेरे चैनल पे अवेलेबल होती है, कौन सी चीज़ कब कैसे कहाँ कितनी क्वांटिटी में यूज करनी है हर एक चीज़ बताती हूँ, तो प्लीज़ जाके चेकआउट किया कीजिए गाइस। अब इस तरीके से सिंपली हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे और जो मेरा डार्क सर्कल है वो चुटकियों में एकदम गायब हो जाएगा और मेरा जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड जो मेरा गालों पे डार्क स्पॉट्स था वो भी हाइड हो जाएगा और जो लिपस्टिक है कमाल की लग रही है। तो आप भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग या फिर जो भी शेड आपको चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आई शेडो पैलेट हम लोग हमेशा यूज़ नहीं कर पाते, तो आप उसको लिपस्टिक की जगह पर यूज़ करके अपना आई शेडो भी यूज कर सकते हो और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर का लिपस्टिक शेड भी बना सकते हो।
तो इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है, और आप देख सकते हो डार्क सर्कल पूरे अच्छे से हाइड हो चुके हैं। बट आप सिर्फ इस तरीके से कंसीलर लगा के छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर लेना है। एंड अगर आपको ब्लशर लगाना है, हाइलाइटर लगाना है, आपकी चॉइस है, नहीं लगाना आप छोड़ सकते हो। सिंपल लुक चाहिए तो आप इस तरीके से करके अपने पार्टी मेकअप या मार्केट वगैरह जाने के लिए, छोटी मोटी फंक्शन में अटेंड करने के लिए रेडी हो। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक? अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप लिपस्टिक एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और मैंने बहुत बार ट्राई किया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी जाए। तो इस तरीके से आपने किया, और आईब्रो वाला हैक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मैंने, और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी अपने मेकअप को। तो मेकअप तो इस तरीके से सेट कर लिया है, और जो मेरा फाइनल लुक था वो आपको दिख रहा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको भी मेकअप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे चैनल पे आकर उसको इजीली सीख सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ज़रूर लेकर आती हूँ मैं, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती उस पर मैं लाइव आके क्लियर करती हूँ हर एक चीज़। इस तरीके से मैंने मस्कारा लगाया था हल्का हल्का, एंड काजल लगाया था, अपने लुक को कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से मस्कारा लगा लिया है मैंने। तो मस्कारा लगाने के बाद से और भी कोई मेकअप लुक आपको देखना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी आपको वो मेकअप लुक। अब डे बाय डे आपको मेरे चैनल पर हेयर से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, एंड हेयर स्टाइल से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज हैं मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से मस्कारा मैंने लगा लिया था। अब मैं काजल लगाऊंगी लैक पे 9 to 5 का, जो कि काफ़ी अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हो ये वाला काजल। अगर आपको अपनी आईज को बड़ा दिखाना है तो आप ब्लैक की जगह वाइट काजल यूज कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने काजल को लगाया था। देन यहाँ पे मैं आज लाइनर नहीं लगा रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लुक चाहिए था, तो आप लाइनर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने काजल लगाया था, बट मैंने जो मस्कारा लगाया था उसको मैंने ड्राई नहीं होने दिया, तो आप ऐसी गलती ना करें, मस्कारा को अच्छे से ड्राई होने दें, उसके बाद अपना काजल अप्लाई करें। फिर मैंने काजल को साफ कर दिया, उसके बाद से मैंने लिपस्टिक को थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए अपना बुलेट लिपस्टिक रेड कलर वाला लिया, और उसको इस तरीके से मिक्स कर लिया अपने आई शेडो शेड के ऊपर, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे। और मैंने हाथ पे इस तरीके का आई मेकअप बनाया था, अगर आपको ये आई मेकअप मेरे आईज़ पे देखना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम बना के आपको दिखा दूँगी। और इसकी डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, तो आप जाके चेकअप ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। मेरा सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसपे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ मैं डे बाई डे अपलोड करते रहती हूँ। सिलाई में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आता है, मुझे सेकंड चैनल पर जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको मेरी सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्रीत तिवारी 24 मेरी इंस्टा आई डी है, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, और जो मेरा फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके का था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट आइडियाज़, नेक्स्ट ट्रिक लेके। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं। अब तक के लिए आई मेकअप जो मैंने बनाया था उसका कुछ लुक कुछ इस तरीके का आया था, जब मैं आपको दिखा रही थी तो अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा छोटी सी क्लिप लेके आपको इस तरीके से वीडियो के बीच में डाल दी जाए, जिससे आप क्लियर देख पाओ। अगर आपको ये लुक जानना है, सीखना है, तो मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आईज पे करके दिखा दूँगी। बाय बाय।